जगह तक घूम आ रहा हूं। माता जी कोई गांव के थे वो? उसका गांव है भाई, वे मारे गला बार बांध रखे जब ना कौन से तक घूम रहा है। कुमार गला बार बांध रखे जब ना हमने क्या की भैंस काट दिया मर गेला। तो हम यही चाहेंगे जो आरोपी हैं जिन्होंने वारदात की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो गांव के ही हैं जी? बिल्कुल गांव के हैं जी। हुआ क्या था, मामला क्या था सर? ये नहीं पता रंजिश क्या है क्या नहीं है, वो मान ले रंजिश के बाद के बाद तो उन्होंने क्या गांव के लड़के को चक्कू मारे पहले? बिल्कुल जी गांव के लड़के को चक्कू। उसके बाद क्या हुआ? ये ताई का लड़का था जो साथ में लेके गया था इसको, और एक जिसने वारदात की है उसी के परिवार का लड़का है सर जिन्होंने वारदात की है। तो वारदात के बाद ही ये तीनों उसको लेके जा रहे थे जिसको चक्कू मारे अजय को, तो रास्ते में ये सर इनका एक्सीडेंट हो जाता है और जो तीनों की मौके पर मौत हो जाती है। मेरे को तो पता ही लगा कि भाई यहाँ दो गांव के लड़कियां नहीं पता नहीं के नाम बता रहे हैं उनका भी, उन्होंने दो लड़कियां ना एक छोरे का चाकू मार दिया, वो मेरा भतीजा था जिसका चाकू मारा, काला सन ऑफ सुरजबान बंटी सन ऑफ रामफल। और मेरे वाले लड़के उन्होंने शहर ले आने खातर ले आए थे, एक बड़ा लड़का ये है मेरे साथ में, छोटा लड़का उसने मोटरसाइकिल पर ले रहा था, वो कड़ी जैसे ही वो जूंडा बांसा से जो हाईवे पे सड़क चढ़ती थी उससे जैसे ही करनाल की तरफ टर्न किया तुरंत इधर से जाने वाले ट्रक ने उठा दिया उनको तीनों के तीनों, अपना वो अपने लपेट में लेकर गांव में इनकी कोई लड़ाई होगी यार राज्य का किसी ने चक्कू मार दिया जी उनको। मेरा दूसरा भतीजा है कमल, वो इनको ले आने के लिए जूंडला हॉस्पिटल में ला रहा था तो पीछे से ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था सर, उनके ऊपर से निकल गया तीनों के ऊपर से सर, जो ऑन द स्पॉट हो गया सर। और मैं तो सरकार प्रशासन से यही करूंगा जो ये गांव में है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तीनों जो मरने वाले इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र सर अजय की तो 19 साल है और कमलदीप की सर 21 साल है। दोनों अनमैरिड रहे हैं? अनमैरिड है सर, एक तो फाइनेंस कंपनी में लगा था। चाकू मारने वाले भाग गए? हां चाकू मारने वाले फरार है सर। अब चाहेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ? दो लोग हैं चाकू मारने वाले? हां जी दो लोग हैं, वैसे तो दो सामने हादसा हुआ है। ये तीन लड़के बाइक पे उसे बांसा की तरफ से आ रहे थे, जैसे ही ये जुंडला कट के पास पहुंचे तो करनाल की तरफ से एक ट्रक जा रहा था और ट्रक से इनकी टक्कर हो गई। अजय को बता रहे हैं गांव में कुछ लोगों ने चक्कू मारे, इनको पता लगा भाई अजय को चोट लगी थी उसको दवाई दवाने के लिए करनाल की तरफ आ रहे थे। तो जिसने चक्कू मारे वो फरार है अभी? हाँ फिलहाल वो फरार है। तो तीनों की दुखद मौत होगी? हाँ जी हाँ। तो ट्रक वाले का पता चला सर कौन? ट्रक हमारे कब्जे में है, मालिक का हम पता कर ले। तो ट्रक वाला पकड़ लिया जी? तो नहीं ड्राइवर नहीं पकड़ा है, ट्रक पकड़ लिया जी। ट्रक पुलिस पोस्टमार्टम सुबह कराया जाएगा सर? हाँ सुबह करा देंगे।